बॉलीवुड में एक जमाना था जब स्टार्स फिल्म की शूटिंग के लिए मेकअप रूम, ग्रीन रूम का इस्तेमाल करते थे, पर जब शूटिंग आउटडोर लोकेशन पे होती थी तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर इस नए दौर में स्टार्स अब वैनिटी वैन का इस्तेमाल करने लगे हैं। शाहरुख, सलमान, अजय, दीपिका, रणवीर, आलिया सभी आउटडोर शूटिंग के लिए अपने हाईटेक वैनिटी वैन का यूज कर रहे हैं। पर हर वीडियो में आपने सुपरस्टार्स के वैनिटी वैन को बाहर से ही देखा होगा। पर इंडिया टीवी का कैमरा शिल्पा शेट्टी की नई नवेली वैनिटी वैन में आपको लेकर चलेगा और ये भी बताएगा कि एक सुपरस्टार के वैनिटी वैन में क्या क्या सहूलियतें होती हैं। तो ये है शिल्पा शेट्टी का अपना पर्सनल वैनिटी वैन। यहाँ पर थोड़े उनके इमीडिएट कुछ कपड़े होते हैं जो वो शूट से पहले पहन कर आती हैं, और शूट खत्म होते हैं, यू नो, यू गो बैक होम, सो यू वांट टू बी रिलैक्स्ड। ये उनका मेकअप का की जगह है जहाँ पर बिना मेकअप के तो कोई भी शूट शुरू नहीं हो सकता। सो दीज आर हर नेटिविटीज, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उनके परमिशन के साथ। और ये उनका वॉर्म लाइट वो पसंद करती हैं, सो वॉर्म लाइट लगा हुआ है पूरे के पूरे शीशे में। दैट्स प्रीटी मच एक स्टार का लुक देता है। आगे थोड़ा सा चलेंगे और ये एक सेपरेटर है जो फिर से बहुत ही उनका मतलब पसंदीदा चीज़ है। और ये जगह जो है उनकी मीटिंग रूम हम कह सकते हैं, रिलैक्स करती हैं यहाँ पर। यहाँ उनके स्क्रिप्ट्स पढ़े जाते हैं, अगेन अशीशा जो शिल्पा शेट्टी का वो पर्सनालिटी डिफाइन करता है। यहाँ पर एक कुशन जिसमें लिखा हुआ है यू आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, हमेशा एक पॉजिटिविटी बिखेरती हैं। वैनिटी वैन्स कई सितारों के पास है जो अपने अपने तरीके से उसे सजाते हैं, अपने अपने तरीके से उसे बनाते हैं। शिल्पा शेट्टी के इस वैनिटी वैन में खासियत ये है कि हम सभी जानते हैं वो योगा एंथुजियास्ट है। काम जितना भी हो वो योगा और एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ती, तो यहाँ पर खास एक कॉर्नर उन्होंने अपने लिए बनाया है जहाँ पर वो योगा प्रैक्टिस करती हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका ये वैनिटी वैन आखिर है कैसा और ये जो नया गिफ्ट है उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। ये बताइए, ये आधा वक्त जो होता है एक एक्टर का वो सेट पर बीतता है, और ऐसे में घर को पास लेकर आना विच इज़ लाइक योर वैनिटी, जहाँ पर आप बैठते हो, आराम करते हो, अपने स्क्रिप्ट पढ़ते हो, सो आपको खुद अपने जैसा कुछ चाहिए था। नहीं, आई जस्ट फील के जितने भी नॉर्मली हम लोग हायर पे ले लेते हैं वैनिटीज, और मुझे ऐसे लगता था कि यू नो बहुत लाउड होते थे वैनिटीज, एंड यू नो यू वांट टू एकांत में जब आप बैठ के आप डायलॉग रीड कर रहे हैं, या ऐसे लगता था मुझे कभी कभी कि लाइट बहुत ज़्यादा हार्श है। तो मुझे एक ऐसा वैन चाहिए था जहाँ पे आई फील एट होम एंड आई कुड बी रिलैक्स्ड, और मैं फिल्में देख सकूँ एंड गाने सुन सकूँ, अपना प्लेलिस्ट हो। तो आपने सही कहा, जितने भी मेम्बर्स हैं वो जो हमारे साथ काम करते हैं वो फैमिली जैसे बन जाते हैं, और जो वैन होता है वो हमारा घर बन जाता है। सो तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के आई डिसाइडेड दैट ऑन माय बर्थडे आई शैल प्रेजेंट माय सेल्फ अ वैन। जन्मदिन के इस खूबसूरत मौके पर उनके लिए केक भी लाई हूँ वैसे।